दोस्तों सेंचुरियन के मैदान पर तिलक के तूफानी शतक में उड़ा अफ्रीका टीम। इंडिया ने उन्हीं के घर में रौंद कर रचा इतिहास। तो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखों से आंसू फूट पड़े। जहां एक तरफ डिविलियर्स अपना दर्द छुपा नहीं पाए, तो वहीं हाशिम आमला से लेकर जेपी डुमिनी और डेल स्टेन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन पर भड़ास निकालते हुए जो कहा सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू की लाजवाब बैटिंग से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सेंचुरियन के मैदान पर तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने तो साउथ अफ्रीका की ऐसी हालत करी है कि घमंड में चूर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जी हाँ, आपको बता दे टॉस जीतकर एडन मार्करम ने टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और यह इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहां संजू का विकेट तो उन्हें बहुत जल्द मिला, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का करियर अकेले ही तबाह कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ अभिषेक ने 25 गेंद में 50 जरूर ठोके, लेकिन असली महफिल तो इस मैच में लूट गए तिलक वर्मा, जिन्होंने न केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका बल्कि अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसाते हुए केवल 56 गेंद पर 107 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 7 खौफनाक छक्के भी निकले। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला टी20 शतक ठोका और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया, जिसके दम पर ही टीम इंडिया ने 20 ओवर में 219 रन बना लिए और जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने तो कमाल ही कर दिया। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की फिरकी एक बार फिर कारगर रही। हालांकि अफ्रीका ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, क्लास एन 41 रन बना गए तो जॉनसन ने तूफानी अर्धशतक जड़कर अंतिम गेंद तक अपनी टीम को जीत दिलाने की महत्वपूर्ण कोशिश की। लेकिन आखिरी ओवर में बाजी तो टीम इंडिया के हक में आई और टीम इंडिया ने 11 रन से ये मैच जीतकर 2-1 से ये टी20 सीरीज भी अपने नाम की और न केवल अफ्रीका का घमंड चकनाचूर किया बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवा दिया। लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, वहीं अपनी टीम की यह हालत खराब देखकर, यह खराब प्रदर्शन देखकर तो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े दिग्गजों का भी दिल टूट गया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स ने कह दिया कि सैल्यूट तिलक वर्मा को। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में उतना ही टैलेंट है जितना कि रोहित या धोनी के पास। आज जब वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि खुद धोनी बैटिंग कर रहे हैं। मैं बहुत उदास था कि मेरी टीम की इतनी बेरहम तरीके से पिटाई हो रही है, लेकिन तिलक की बैटिंग सच में काबिले तारीफ थी। मुझे लगा था कि हमारी टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तिलक ने जो किया उसके बाद तो पूरी तरीके से मैच पलट गया था। कमाल कर दिया तिलक आपने। तो वहीं हाशिम आमला का कहना है, हमारे घर पर ही आकर तिलक वर्मा ने पहले टी20 में जिस तरीके से शतक लगाया है ये कोई आसान काम नहीं है। साउथ अफ्रीका में आकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन तिलक ने जो यह अविश्वसनीय काम किया है उसके लिए उनकी तारीफ तो बनती ही है। हालांकि मैंने अपने गेंदबाजों से बेहतर उम्मीद की थी, उन्होंने शुरू से स्पिन गेंदबाजी नहीं की, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं से मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ और उन्होंने 219 रन बना लिए। हम इस मैच में और भी अच्छा कर सकते थे, हमने अंत तक लड़ाई की, बस थोड़ा जीत के लिए दूर रह गए। तो वहीं डेल स्टेन ने यहां तक कह दिया कि बो डाउन टू तिलक वर्मा, वो तो आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी ये सेंचुरी कोई आम सेंचुरी नहीं है। आज जिस तरीके से तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, शायद मैंने ऐसा कभी रोहित शर्मा को करते हुए देखा था। आज मुझे उसमें रोहित की झलक नजर आई। रोहित और कोहली की कमी को इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। मुझे अपनी टीम के लिए काफी दुख है, हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वेल डन यंग मैन, आपको कमाल की आपने बैटिंग की। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। उनके अलावा दोस्तों जेपी डुमिनी का कहना है कि मैं उदास हूँ, निराश हूँ, क्योंकि हमारी टीम इतना खराब प्रदर्शन करेगी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। टीम इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने क्या लाजवाब बैटिंग की, बॉलिंग करी, ये मैच शुरू से ही टीम इंडिया तरफ चला गया था। शुरू में तिलक ने मोमेंटम इंडिया की तरफ ला दिया, उसके बाद हम केवल स्ट्रगल करते रह गए। यदि हम थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत करते तो ये मैच हमारी झोली में था। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये सभी तो फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा टी20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया।
और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक तीन बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएट्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वे संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने तीसरा शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ संजू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही वो धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका पहले T20 में मचाए बवाल। गुस्से से संजू ने केवल अफ्रीका का घमंड ही नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिया पवेलियन का शीशा। तो उनका ये रौद्र रूप देखकर मच गया अफ्रीकी खेमे में बवाल। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब संजू सही गाली गलौज पर उतराए थे अफ्रीका के बदतमीज खिलाड़ी? कैसे संजू ने अपने बल्ले से कर दी उनकी बोलती बंद वो खतरनाक मोमेंट? बीच मैदान में हुए तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत और संजू की बैटिंग देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पहले T20 में टीम इंडिया की जीत के हीरो तो संजू सैमसन बने हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं। जहां टीम इंडिया ने 61 रनों से इस मैच में बाजी मारी, वो भी संजू के 107 रनों की तूफानी पारी के दम पर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब संजू अपने बल्ले से छक्के चौके बरसा रहे थे इस दरमियान साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने संजू से गाली गलौज की थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद अफ्रीका के खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्होंने तो ऐसे जश्न मनाया जैसे वो मैच जीत गए हैं। खासतौर पर जेराल्ड कोएट्जे से संजू के सामने ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, संजू को आंखें दिखा रहे थे। इसी दरमियान गुस्से में उन्होंने संजू को गाली दे दी जो संजू ने सुन ली और संजू को उनका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। संजू ने तुरंत इसकी शिकायत करी और इस पर आपत्ति भी जताई। संजू तो खुद मामले को निपटाने के लिए कोएट्जे के पास पहुंच गए थे, उनका गुस्सा भी देखने लायक था। हालांकि एम्पायर बीच
बचाव में जाकर मामले को शांत करने में कामयाब हो गए और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। उन्होंने मैदान में इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर दोस्तों, संजू सैमसन ने अफ्रीका की बदतमीजी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसे वो आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं भूल पाएंगे। जी हां, अगले ओवर लेकर आए जेराल्ड को।